Good afternoon, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Yesterday we had done a very important part, that is structure of the cell wall. Aaj hum start karne wale hain, without wasting any time, let us start the layers of the cell wall. Important part hai, so dhyan dijiyega. Jab hum layers of the cell wall ki baat karte hain, to yahan par teen layers aati hai. Layers of cell wall kitni hai? थ्री लेयर्स. अब वो तीन लेयर्स कौन सी हैं? जरा हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और सारी चीजों को समझेंगे. सबसे पहले यहां पर क्या आता है हमारे पास, साथ साथ हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ साथ हम इसका एक कंपोनेंट लेते जाएंगे. ये हमारे पास आ जाती है सबसे पहली जो एक लेयर है सेल वॉल की, दैट इज मिडल लामेला. सबसे पहले ये पार्ट आ जाता है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, इसकी हम बात कर लेते हैं. क्योंकि देखो ये मिडल लामेला, इसको मिडल लामेला कहा क्यों गया है? दिस इज द मिडल लामेला, रेड कलर्ड. सो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेयर इज द मिडल लामेला. देखिए ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई झमेला नहीं हमने क्रिएट करना है. ये दो प्लांट सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है. सो इट इज दी सीमेंटिंग मटेरियल, मिडल लामेला एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट सेल्स. पहली चीज तो ये हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में ये क्या आ रही है, एक ऐसी सीमेंटिंग लेयर है जो उनको जोड़ती है. अब नेचुरली अगर ये मिडल लामेला है तो इसके यहां क्या होगा, हम यहां ले लेते हैं, देयर इज दिस सेल वन, ये सेल वन ले लेते हैं और यहां प्लांट सेल टू ले लेते हैं. और इन दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कौन करता है, वो कौन करता है, इट इज द मिडल लामेला. क्यों क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसके बीच में इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. मैग्नीशियम पेक्टेट यानी पेक्टेट कंपोनेंट्स, एसिटिक शुगर्स है. यहां हमने कल बात की थी तो ध्यान रखिए जो पिछला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो पिछला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स. अब मिडल लामेला की जो अगर देखा जाए तो जब भी कभी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि जब भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है तब देयर ऑकर्स डिग्रेडेशन ऑफ द वी कैन से द मिडल लामेला लेयर और द पेक्टिन लेयर. डिग्रेडेशन क्योंकि इसमें क्या है, पेक्टिन्स पड़े हैं और इनकी क्या होती है, डिग्रेडेशन. देयर इज सोलुबलाइजेशन, solubilization of pectates. और जो क्या करते हैं, which brings about ripening of fruits, ripening of fruits. तो देखिए यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मिडल लामेला में जो भी पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब भी ये सॉफ्ट होते हैं या इनकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है तो देयर इज राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है अगर आप इसको याद रखना चाहे. और यहां पर ये देखिए दो सेल्स हैं, अभी हमने यहां कुछ नहीं ड्रॉ किया है, हम सिर्फ एक लेयर ले रहे हैं विच इज कॉल्ड मिडल लामेला. और ये क्या कर रही है, दो सेल्स के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो सेल्स के बीच में ये एक कनेक्शन बना रही है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगी. हम इसी डायग्राम से सारी डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे और कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे. दूसरी लेयर जो आती है, द सेकेंड लेयर इज द प्राइमरी वॉल लेयर. अब जो इसके अंदर है, अब देखिए जो भी यहां होगा अब इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा. अब ये दो सेल्स हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है. अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या दिखाई देता है, विल फाइंड ए लेयर नोन एज प्राइमरी वॉल. ये देखिए ये प्राइमरी वॉल हमें दिखाई देती है, हम इसको डॉट डॉट डाल लेते हैं. ये प्राइमरी वॉल सेल नंबर वन की है, ये प्राइमरी वॉल सेल नंबर टू की है.
तो मिडल लामिना क्या कर रहा है इन दोनों सेल्स को? अब आपको समझ आया कि दोनों सेल्स को जोड़ रहा है, दोनों सेल्स का सीमेंटिंग मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो प्राइमरी वॉल यहां क्या हुई, विच इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लामिना। अब यहां पर क्या है, इसके बीच में मोस्टली देर आर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, हमने कल पढ़ा भी था, यहां सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ही होते हैं। क्या होते हैं? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ही होते हैं। अब यहां पर इसकी ग्रोथ होती है, प्राइमरी वॉल की ग्रोथ होती है। अब वो ग्रोथ किस प्रोसेस से होती है? द ग्रोथ ऑकर्स बाय ए प्रोसेस, ग्रोथ बाय ए प्रोसेस नोन एज इंटरससेप्शन। देखिए ये टर्म वन मार्क क्वेश्चन आता है एकेडमिक में, और नीट में भी आपको एमसीक्यू, एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। ये इंटरससेप्शन क्या होती है इसको जरा समझते हैं। देखिए जब भी ये वॉल बनेगी तो इसकी ग्रोथ तो होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसकी थिकनेस 0.123 माइक्रोमीटर है, प्राइमरी वॉल की थिकनेस ऑलमोस्ट इतनी होती है, शायद 0.123 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है। अब वहां पर क्या होता है कि देखो जब भी इसकी ग्रोथ होगी, जब इसकी थिकनेस पड़ेगी, मैच्योरिटी आएगी प्लांट में, तो वहां पर कुछ कुछ मटेरियल एड ऑन होगा। और वो एड ऑन कैसे होगा? पैचेस में होगा। यानी मान लेते हैं कि ये सपोज ये कोई एरिया हम ब्लू ही ले लेते हैं, हम ये रेड एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज द मिडल लामिना, ये मिडल लामेला ले लेते हैं। अब इसकी यहां ग्रोथ होनी शुरू हुई। अब ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ यहां मान लो ये बना हुआ है हमारा, ये हमारी हम ये कह लेते हैं प्राइमरी वॉल स्टार्ट में है, इमेच्योर सेल। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बनी हुई है, अब इसकी ग्रोथ होनी है, मैच्योरिटी होनी है। अब क्या होता है कि यहां पर इन पैचेस, यहां पर ग्रोथ होती है इन पैचेस, पैचेस में जो मटेरियल है इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दोनों अगर दोनों प्लांट सेल्स की बात करें तो यहां पर ऐसे ही होगा, इन पैचेस इकट्ठा नहीं होगा, और यही पैचेस बाद में क्या हो जाएंगे, दे विल ज्वाइन टुगेदर, इनकी ग्रोथ होगी, इन्हीं पैचेस को बाद में ये जुड़ते जाएंगे, देयर इज डिपोजिशन ऑफ मोर मटेरियल इनसाइड, और देखो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है। अब ये डिपोजिशन, ये जो पैचेस है इनके ऊपर और मटेरियल डिपॉजिट होता जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज थिकनेस ऑफ द वॉल मटेरियल, देयर इज थिकनेस ऑफ द प्राइमरी वॉल, और कैसे हो रही है, बाय डिपोजिशन ऑफ द वॉल मटेरियल विद इन द सेल वॉल और विद इन द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, सेल वॉल के या प्राइमरी वॉल के अंदर वाले हिस्से में और मटेरियल एड ऑन होते जा रहा है, तभी उसकी ग्रोथ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस राइट डाउन क्या है ये इंटरससेप्शन, डेफिनेशन क्या होगी वन मार्क अगर आप अकेडमिक्स में लिखेंगे। सो डिपोजिशन of wall material, wall material inside the existing cell wall is known as intersusception. I hope you understand. You understand, and this is one mark definition. कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहां कोई और चीज लिखने की जरूरत है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि deposition of new wall material कर सकते हो, यहां ऐसा भी कर सकते हो, या सीधा wall material लिखते। So deposition of new wall material inside the existing cell wall is known as intersusception, और patches में होता है ये काम, सारा काम patches में होता है। और अगर हम बात करें इसकी
बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. द एग्जाम्पल्स आर, लेट अस टेक एग्जाम्पल्स. तो देखिए मेरिस्टमैटिक सेल्स, मेरिस्टमैटिक सेल्स आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी वॉल इंटरसेप्शन. मेरिस्टमैटिक सेल्स में ऐसा होता है. देर आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो यहां भी ऐसा ही कुछ होता है. और पैरेन्काइमेटस सेल्स में जैसे आप कॉर्टेक्स ले लीजिए, पिथ ले लीजिए, फ्रूट की डेवलपमेंट ले लीजिए, वो सारी डेवलपमेंट कैसे होती है? इट इज बाय प्राइमरी वॉल मटेरियल. तो देखो प्लांट सेल के अंदर आपको अभी तक क्या हमने पढ़ा, मिडल्ला मिला, और इसके साथ साथ हमने प्राइमरी वॉल के बारे में पढ़ा. तो चलिए हम इसको लेबल भी कर देते हैं, हम क्योंकि प्राइमरी वॉल हो गया है तो इसको हम नीचे ले लेते हैं. यहां पर इट इज दी प्राइमरी वॉल. अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, लेट अस रब दिस और फिर आगे बढ़ते हैं, द सेकेंडरी वॉल. चलिए अब यहां सेकेंडरी वॉल में क्या है कि देखिए अब इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल. तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कि प्राइमरी वॉल के अंदर है. ये यहां, ये ऐसा मान लेते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी यहां तक सेकेंडरी वॉल है. यहां तक सेकेंडरी वॉल है, ये थिक होती है. और इस सेकेंडरी वॉल के तीन हिस्से होते हैं. इस सेकेंडरी वॉल के बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स. इसकी अपनी तीन लेयर्स होती हैं. जरा देख लेते हैं. तो सेकेंडरी वॉल, देखिए हमने ये तो जान गए हैं, इतना तो हम जानते हैं कि इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल, तो लिखने की जरूरत है. लेकिन ये लाइन लिखना भी जरूरी है एकेडमिक्स पार्ट में और समझना भी जरूरी है. और इसके साथ साथ कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स. अब वो तीन लेयर्स क्या है? S1, S2 एंड S3. अब यहां कहां है S1 एंड S2, S3? देखिए ये है हमारी S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3. और इसी तरह यहां पर हम ले लेते हैं, S1 है एडजेसेंट प्लांट सेल में, S2 है और S3 है. अब इनके अंदर देखो एक चीज मैं बता दूं, इनके अंदर अगर देखा जाए तो वॉल मटेरियल तो सेम ही होता है. और इसमें अबंडेंट क्या है? इट इज अबंडेंट सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर मोस्ट अबंडेंट. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा होते हैं. और फर्क क्या होता है फिर S1, S2 और S3 में फर्क क्या होगा? देखो हम ले लेते हैं, इसको लेबल भी कर लेते हैं. दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3. और इसी तरह से यहां पर S1, S2 एंड S3. क्लियर? लेकिन अब इसमें फर्क क्या है? फर्क है ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स, द पोजीशनिंग ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. सो यहां पर अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स डिफरेंट होता. मान लो किसी में अरेंजमेंट इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, किसी में अरेंजमेंट इस तरह से होगा, और ये भी हो सकता है किसी में अरेंजमेंट इस तरह से. तो देखो तीनों में जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, तो होंगे वही, होंगे वही, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर क्या है कि यहां पर भी इसकी ग्रोथ होती है, ये भी अपनी मैच्योरिटी में पहुंचता है. क्योंकि सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी वॉल जो है इसको माना जाता है इट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है? देखो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी लोड बेरिंग पार्ट है, इट इज द मेन लोड बेरिंग पार्ट एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट.
सबसे ज्यादा वेट यही यही पार्ट लेता है, सेकेंडरी थिकनिंग ही लेती है, सेकेंडरी वॉल ही लेती है, और इसीलिए इसको मेजर स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा जाता है। इट इज द मेन लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, इट प्रोवाइड्स द मेन मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसी की वजह से ताकत रहती है, थिकनेस रहती है। और इसमें क्या है, आप देखो यहां पर जो भी ग्रोथ होगी, ग्रोथ अकर्स बाय, जैसे हमने वहां क्या पढ़ा था, इंटरसेप्शन अकर्स बाय एपोजिशन। और एक्सर्शन, देखो यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सर्शन या एपोजिशन से होती है। वहां पर हमने कहा कि डिपोजिशन ऑफ द वॉल मटेरियल, न्यू वॉल मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वॉल, अंदर वाली साइड होता है। और यहां क्या होता है, देखिए डिपोजिशन कहां होगी, डिपोजिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल, चलिए न्यू वॉल मटेरियल ओवर द एग्जिस्टिंग वॉल, एग्जिस्टिंग वॉल इज नोन एज एक्सर्शन और एपोजिशन। तो देखो डेफिनेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट वीडियो लंबा हो रहा है, होते ही हैं, मेरे तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स पे देख रहा हूँ, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जब हम नीट की तैयारी करते हैं हमारा एकेडमिक पार्ट खराब हो रहा है। एकेडमिक पार्ट इसलिए खराब हो रहा है कि हम क्वेश्चन को फ्रेम करना नहीं जानते, हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी फ्रेम करना नहीं जानते। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ देख रहा हूँ कि वो क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हैं। एमसीक्यू बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाते, जिससे एकेडमिक में उनमें मार्क्स बहुत नीचे आ रहे हैं। हालांकि वो एमबीबीएस बाद में वो नीट क्लियर कर जाएंगे, नो डाउट, मेन हमारा मोटो ही यही है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर बात होगी, उससे हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जो डेफिनेशन है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट और हमें समझ से लिखनी है, हम क्या लिख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप देखते हो कि अगर कोई भी हम मकान बनाते हैं तो प्लास्टर करने वाला क्या करता है, तो जब वो सीमेंट जो है वो दीवार के ऊपर फेंकते जाता है, पैचेस में फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, तो वो डिपोजिशन क्या होती है, वॉल मटेरियल वॉल के ऊपर होती है, ओवर द वॉल मटेरियल ऑन द आउटर साइड, और फिर उसको वो प्लास्टर कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ एपोजिशन होती है। तो ये याद रखिए कि यहाँ जो सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग है ये एपोजिशन से होती है, और प्राइमरी वॉल की थिकनिंग किससे होती है, बाय एक्सर्शन होती है। अब देखो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, अब सेकेंडरी वॉल जो है ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, थिकनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, थिक सेल्स होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं, वुड के अंदर लिग्निन होती है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार देखो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स देयर इज ए फोर्थ, एक थर्ड टर्शरी वॉल भी आ जाती है यहां पर टर्शरी वॉल भी आ जाती है। ये बड़ा रेयर होता है, इट इज वेरी रेयर कि कई प्लांट्स पे ऐसे टर्शरी वॉल भी है। दिस इज द टर्शरी वॉल इन प्लांट, सम प्लांट्स हैव टर्शरी वॉल्स आल्सो, और खास तौर पे जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में टर्शरी वॉल्स होती है, और इनमें सेलुलोज नहीं होता, देयर इज नो सेलुलोज इन टर्शरी वॉल, देयर इज ज़ाइलन रिच वॉल्स होती है। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा नो सेलुलोज, नो सेलुलोज प्रेजेंट हेयर। क्या प्रेजेंट है, ओनली ज़ाइलन रिच वॉल्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, और कहां प्रेजेंट होती है टर्शरी वॉल ये भी जानना जरूरी है, इट इज इन जिम्नोस्पर्म्स। देखिए मोस्टली ऐसा नहीं होता, मोस्टली हमारे पास जो अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो वहां पर हमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल्स ही मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं हिस्से, अब सेल वन और सेल टू,
अब इसमें हम बात करते हैं सेल वन है और ये सेल टू है। अब इसमें जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? देखिए क्या होता है कि कई जगहों पर इन सम टाइम्स द सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट एट सर्टन एरियाज। इन प्लांट्स द सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट एट सर्टन एरियाज। जैसे अब हम देखते हैं, जो मैंने बात बोली वो देखते हैं, हम यहां लिख भी देते हैं, सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट इन सर्टन एरियाज। चलिए जी लिख दिया। अब सर्टन एरियाज में अगर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, हम इसी डायग्राम को लेते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो वो इस तरह से हो सकती है। देखो ये इस तरह से, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, और इसी तरह से यहां भी एब्सेंट होगी। बिल्कुल भाई सेम ठीक कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही एब्सेंट हो। देखो एब्सेंट कर दी हमने, और ये जो एब्सेंट होने की वजह से क्या है, देयर इट इज द रीजन फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये देखो अब ये जो एब्सेंट है ये इस तरह से क्या बना रहे हैं, ये देखिए रीजन्स बना रहे हैं, ये देखिए ये कुछ रीजन्स बन रहे हैं। हालांकि ये ऐसे देखो रीजन्स बन रहे हैं, ये मैं ऐसे एक रफ सा रीजन बना देता हूं, ये एक रीजन बन रहा है, ठीक है। अब ये जो रीजन बन रहे हैं ये देखिए मोस्टली ऑपोजिट ही होते हैं, मोस्टली ये जो रीजन्स बनते हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड थिकनेस होगी और इधर से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होगा, फिर पार होगा प्लाज्मा, यहां तो आगे है प्राइमरी वॉल, आगे मिडल लामेला है, आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि आगे तो थिकनिंग होगी। सो मोस्टली क्या होता है, जो भी एब्सेंस ऑफ थिकनिंग है, जहां पर भी थिकनिंग नहीं होगी, आप देखो ये ऑपोजिट साइड्स पर ही, और दीज एरियाज नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, पिट्स। रिमेंबर दिस, दीज एरियाज आर नोन एज, हम इन्हें क्या कहेंगे, दीज एरियाज आर नोन एज पिट्स कहते हैं, इन्हें हम पिट्स कहते हैं। अब देखो जब हम पिट्स की बात करते हैं तो देखो पिट्स या तो वो ऐसे हो सकते हैं, देखो या तो वो सिंपल हो सकते हैं, ये देखिए जैसे यहां है, मैं इसको एक एक सेकेंडरी वॉल S1 S2 S3 ले लेता हूं, ये देखो या तो ऐसे बिल्कुल सिंपल होंगे, सिंपल पिट्स होंगे इनका, जो अगर देखें एरिया जो होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा, और यहां पर क्या है, दिस इज दी, ये जो एरिया बना यहां पर प्राइमरी वॉल, दिस इज दी पिट मेम्ब्रेन, दिस इज दी पिट मेम्ब्रेन, ये इसकी बेसमेंट है पिट मेम्ब्रेन, दिस चैम्बर इज दी पिट चैम्बर, ये पिट चैम्बर है, और इसी के साथ दिस ओपनिंग ऑफ द पिट चैम्बर इज नोन एज पिट अपर्चर। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए सिंपल पिट, सिंपल पिट। लेकिन दूसरी साइड कुछ पिट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से होते हैं, मैं दूसरी साइड वो ड्रॉ कर देता हूं। सो जैसे लुक हियर, देयर एरिया इज लिटिल बिट ओवरहेड, ये देखिए ओवरहेड मार्जिन है, दे आर लाइक, ये देखिए द पिट एपर्चर, अगर आप यहां देखो पिट एपर्चर इज ओवरलाइंग, थोड़ा सा आगे है, आगे की तरफ झुका हुआ है, इस तरह के अगर पिट्स आपको दिखते हैं लिटिल बिट ऑफ शेप दे आर नोन एज बॉर्डर्ड पिट्स, इन्हें हम बॉर्डर्ड पिट्स कहते हैं। देखो जब हम बॉर्डर्ड पिट्स की बात करते हैं तो याद रखिए बॉर्डर्ड पिट्स आर मोस्टली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मैं लिख देता हूं, बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं, ये कहां है,
दे आर मोस्टली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। और जहां तक हमारे ये सिंपल पिट्स का सवाल है, देखो सिंपल पिट्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो इन दोनों पिट्स का अल्टीमेटली फंक्शन क्या है? देखो अल्टीमेटली फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक एक जिसको कहते हैं ना कि एक ही कर्म है, वो इन्होंने करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना है। और यहां पर एक सेल से दूसरे सेल में अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है, मिडल लामेला के थ्रू होता है, तो यहां पर तो प्लाज्मोडेस्माटा भी है, प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट है, जो बेसिकली दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं बाय वे ऑफ द डेस्मोटब्यूल, जो दोनों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट कर देता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर हम गैप जंक्शंस ये सारी चीजें जरूर पढ़ेंगे और इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दिस कंप्लीट्स योर होल, अगर देखा जाए तो द स्ट्रक्चर एंड द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, दैट इज कल हम करेंगे द ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। छोटा टॉपिक होगा, लेकिन आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि फंक्शंस अगर जो हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एकेडमिक पार्ट है जहां से हम नीट को भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना कि एक कैरियर बनाने में मदद करेंगी। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इससे बहुत मोटिवेशन मिल रही है। आपका जो 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 रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है, और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।